महाराज जी के श्री चरणों में नमस्कार। मैं खबर एक्सपर्ट से रमेश सोलंकी। महाराज जी आज ये भक्तों का समागम लगा हुआ है, वहाँ से देख रहे हैं बहुत सी भीड़ भाड़ भक्तों की आ रही है। महाराज जी आज इस क्या प्रोग्राम है आज का? वास्तव में हम यहाँ आए हैं, ये सब बहुत सालों से हमारे बाबा मुक्तानंद जी से जुड़े हैं, तो ये सब हमारे पुराने 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 परिचय है, पहचान है, तो जब सत्संग होता है तो आ जाते हैं। हम दिल्ली से अभी महाशिवरात्रि का उत्सव करके वापिस बलसाड़ गुजरात जाते हैं, उन्होंने कहा था कि रुकना, तो आज रुके हैं, शाम की गाड़ी है तो बस कुछ घंटों के लिए यहाँ आए। तो महाराज जी आप गुजरात से आए हो? जी जी। तो महाराज जी आज ये भक्तों को, भक्त जुड़े हुए आपसे, भक्त को क्या दिया महाराज, थोड़ा सा पूछना चाहूँगा मैं। मैंने उन सबसे ये कहा कि जो गांव की जो सरल जीवन है, सादा जीवन है, उसका जीने का आनंद लो। ये मत सोचो कि हमको शहर में जाना है, बहुत पैसे कमाना है, उससे सुख मिलता नहीं है। यहाँ रहते रहते ही सुखी हो और उस सुख को और बढ़ाओ, ये हमको भारत देश में करना। महाराज जी जिस तरीके से युवा धर्म को भूलता जा रहा है, युवा के लिए क्या कहा है आपने विशेष यहाँ पर? हम तो हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं इस गांव के जुड़े हुए हैं, तो उनको हम प्रेरणा देते हुए कि तुम और जुड़ो, और तुम जितना तुम जोड़ोगे अपने आप तुम्हारे मित्र इत्यादि सब अपने आप से आएंगे। लास्ट युवाओं के लिए क्या संदेश है कि वो इसे फॉलो करें जिससे उन्हें मुक्त की यानी मुक्ति मिले प्लस वो अच्छा कर सकें, क्या उनके लिए बोलना चाहेंगे? उनको मैं ये कहूँगा कि इसका भी स्वाद लो। वो इसका स्वाद नहीं लेते इसको, उनको लगता है कि कुछ नहीं, अगर वो स्वाद लेते हैं ना, आनंद लेते हैं, तो उनको लगेगा यहाँ भी कुछ है। मैं कहता हूँ कि आधुनिकता को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु तो अपनी जो परंपरा है उसको भी पकड़ कर रखो, उसको पकड़ कर चलना चाहिए हमें जीवन में। तो युवाओं को ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, ईश्वर से आस्था के लिए युवाओं को जोड़ा के ईश्वर को पहचानिए, और वेस्टर्न स्टाइल जिसने हमारा जनजीवन को अस्त कर दिया है, जो रहन सहन हमारा खान पान सब बदल गया है, तो उसको आपने जो हमारी भारतीय संस्कृति है, गांव का रहन सहन है, गांव का शुद्ध भोजन शुद्ध वायु, इस सब के लिए आपने प्रदर्शित किया नवयुवाओं को। जरूर खुश, हम जहाँ भी जाते हैं शहर में भी लोगों से कहते हैं हम सब कुछ छोड़कर शहर में आए, परंतु शहर से फिर हम फार्म हाउस बना रहे हैं, फार्म हाउस बनाते हैं यानी गाँव में जाकर रहना है, तो हम पहले से गाँव में रहते, हम तो गाँव में रहे, हम भी बलसाड़ गुजरात में गाँव में ही रहते हैं, शहर से 10 किलोमीटर दूर है, आम की खेती है, खेती के बीच में रहते हैं, तो उसका जो आनंद है ना खेती का, वो आनंद मैं मानता हूँ शहर में मिल ही नहीं सकता। महाराज जी जो हमारे हजारों युवा दर्शक यहाँ इसे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, महाराज जी उनके लिए संदेश क्या है आपका? मैं उनसे कहूँगा पढ़ो लिखो, और जो खेती करते हो या जो गाँव में करते हो उसको ही सुधारो, उसको ही अच्छा करो, गाँव में ही जो सुख है, शहर में जाकर एक हमको 10x10 के रूम में रहना है, उससे अच्छा एक एकड़ या 10 बीघा जो भी जमीन अपने बाप दादा परदादाओं की है उसमें रहो, उसको आनंद से जियो, और खेत को कैसे हम और अच्छी तरह से कर सकते हैं बिना केमिकल के, क्योंकि आप देखते हैं बच्चों को बीमारी, बड़ों की बीमारी, कैंसर की बहुत बीमारी हो गई, तो ये सब रोग हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमको गाँव में रहकर सीखना है और सिखाना है दूसरों को। सादा जीवन उच्च विचार, यानी युवाओं को ये कहना चाहते हो सादा जीवन जिए और विचार अपने उच्च रखें, वासनाएं अपने उच्च रखें। जी महाराज और कुछ कहना चाहते हैं महाराज? बहुत अच्छी बात है, आप जो हम कह रहे हैं वही बातों को आप समर्थन दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि युवाओं को हमको यही कहना है। बिल्कुल। तो ये नित्यानंद महाराज जी सरस्वती जी जो गुजरात से आए हुए हैं, और हम बांस बादाम पर हैं, बांस बादाम में यहाँ पर हजारों की भीड़ लगी हुई है, सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, शायद 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, 1 बजे तक कार्यक्रम है। इसमें महाराज जी ने युवाओं को और यहाँ के जो भी भक्त आए उनको ये ज्ञान दिया है और उनको समझाया है कि हमें सादा जीवन जीना है अपना, जो पश्चिमी शैली जिससे हम प्रभावित हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, हमारा खान पान बदल चुका है, हमारा रहन सहन बदल चुका है, तो महाराज जी का वो है कि इससे हट करके हमें अपना सादा जीवन जीना है, अपने विचारों को उच्च रखना है और ईश्वर में आस्था रखनी है। जी पंकज जी आप भी यहाँ पर महाराज जी आए हुए हैं, कब से रुके हुए हैं, कितनी देर हो गई आपके यहाँ पर? मैं परम पूजनीय अपने गुरुदेव स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी के चरणों में बार बार नमन करता हूँ, और आज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का प्रोग्राम था, लेकिन गुरु जी ग्वालियर से आए थे, थोड़ा विलम्ब हो गया, 11 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हो पाया, लेकिन जो गुरु जी ने हमको मार्गदर्शन दिया और गुरु जी ने जो हमको आगे अपने युवाओं को बढ़ने के लिए, अपनी संस्कृति की बढ़ाने के लिए जो प्रेरित किया है, उसके लिए मैं गुरु जी का बार बार जितना भी नमन करूँगा उतना कम है। तो गुरु जी ने जो आपको ज्ञान दिया कि आप इसको आगे बढ़ाओगे, युवाओं को बताओगे, वो बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ाना नहीं, मेरा तो पूरा परिवार, मेरा पूरा गाँव परिवार से ही पता नहीं कब कब से गुरु जी का आशीर्वाद, बाबा मुक्तानंद भगवान का आशीर्वाद मिलता चला है और आगे बढ़ाते चले जाए। ये हमारे गुरुदेव हैं, मगोद से हैं, मगोद में आश्रम है,
गुरुदेव आए हुए तो उनका उन्होंने उस उपलक्ष्य में उनके सानिध्य में आज सत्संग का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में यही बताया गया है कि अपने रहन सहन के बारे में थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान दो, थोड़ा अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दो, बुरे कर्मों को छोड़ो, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करो। ये थोड़ा ज्ञान हमारे गुरुदेव द्वारा सभी गुरु भक्तों को दिया गया है। कहाँ से आए हैं महाराज? महाराज ये गुजरात वलसाड से। मैं रमेश सोलंकी, खबर एक्सपर्ट से। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खबर एक्सपर्ट चैनल और हर नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।